नमस्कार दोस्तों, आपके भीतर बैठी हुई मां को, भगवान को, ईश्वर को प्रणाम करता हूं। हमें मन्नत मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? कभी कभी लोग मन्नत मांगते हैं कि भगवान, ईश्वर, माता रानी, गुरु महाराज, मेरा ऐसा कार्य होगा तो मैं इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा, नारियल चढ़ाऊंगा, माता रानी तुम्हें छत्र चढ़ाऊंगा, तुम्हें साड़ी चढ़ाऊंगा। संकल्प सिद्धि के लिए आप प्राइमरी में साधना कर रहे हो, नए साधक हो, तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप आगे बढ़ गए हो साधना करते करते, तो आपकी भक्ति में ये सबसे बड़ी रुकावट है, बहुत बड़ी रुकावट है। जब तक आपका अपने इष्ट के साथ इश्क नहीं होगा, आपका अपने इष्ट के साथ प्यार नहीं होगा, जब तक आपके मन में उसके लिए प्यास नहीं होगी, जब तक आपकी चाहत दीवानगी तक नहीं जाएगी उसके लिए, तो दोस्तों आपको उसकी प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो जो आप भगवान के आगे मन्नत मांगते हो, मन्नत मांगते हो, वो अनकंडीशनल लव में बहुत बाधा पैदा करती है। आप दुनियावी रूप से देखें, आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, आप उसको परीक्षा में डालते हैं कि तू ऐसा नहीं ऐसा कर, ऐसा नहीं ऐसा कर। जहां सच्चा प्यार होता वहां कुछ नहीं कहते, उसकी हर जो मुद्रा है, हर घटना उसकी अच्छी लगती है। जब आप ऐसी बाधा डालते हैं, वो व्यक्ति आपका कहना नहीं मान पाता, आपके मनमुटाव शुरू हो जाते हैं। इसी तरह भगवान के साथ जब आपकी कभी मन की मुराद पूरी नहीं हुई, आपकी मन्नत कभी पूरी नहीं हुई, तो आपके मन में भी फिर वो बात आएगी कि भगवान ने मेरा काम नहीं किया। कितने कितने लोग तो गुरु को छोड़ जाते हैं, कितने कितने लोग धर्म को छोड़ जाते हैं, कितने कितने लोग नास्तिक हो जाते हैं कि मैंने भगवान को बहुत चाहा, भगवान ने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, मैंने ज्योत जलाना बंद किया, मैंने मंदिर जाना बंद किया, मैंने छोड़ दिया गुरु का द्वार, मैं अब किसी चीज को नहीं मानता, जो करेगा वो अच्छा। दोस्तों, जो करेगा वो अच्छा, तेरा बाना मीठा लागे, ये तो बहुत बड़ी बात है। जिस दिन हम ऐसे हो गए, हमारे से अच्छा कोई इंसान ही नहीं दुनिया में, पर ऐसा हो नहीं पाता, हम प्रैक्टिकली नहीं कर पाते। तो फिर अपने इष्ट को प्यार करें। प्यार तभी होगा जब जो आपको दे रहा है, जो आप पे कृपा कर रहा है, उसका शुक्रिया करें। और अगर इस बात को आप कर लेते हो तो आपकी संकल्प सिद्धि की आपको प्राप्ति होती है। संकल्प कैसे दृढ़ करना है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, पर अभी आप अपने इष्ट के साथ प्यार करें। आप उनके साथ कोई शर्त नहीं रखें, आप नहीं ऐसा हुआ तो मैंने छोड़ दिया। अगर आपने छोड़ दिया है तो आज से नई लाइफ, नई जिंदगी को शुरू करें। जैसे ही आप सुनते हैं ऐसे ही माँ से क्षमा मांग लें, भगवान से क्षमा मांग लें, अपने गुरुदेव से क्षमा मांग लें, गुरुदेव मैं वापस आ गया आपके चरणों में। मेरे बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, उनको बहुत कहता था कि इस मंत्र को करो, ऐसा करो, ऐसा करो, कहते गुरुजी और शक्तिशाली दो मंत्र, कोई और शक्तिशाली मंत्र दो। पर मुझे लास्ट 3 मंथ बिफोर बहुत खुशी हुई,
कि उनकी मैंने मन से प्यास देखी, और आप हैरान होंगे आज उनके संकल्प पूर्ण होने शुरू हो गए। 3 महीने का चमत्कार कि आज वो अपने संकल्प प्राप्ति में असक्षम हो गए, आगे बढ़ गए। और मन्नत नहीं मांगना, प्रार्थना करना, उसे हक से मांगना, जैसे आप अपनी माँ से मांगते हो ना, ऐसे ही भगवती माँ से मांगना, जैसे पिता से मांगते हो ऐसे पिता से मांगना, ऐसे ही भगवान से, ईश्वर से मांगना। उसके ऊपर अपना हक है, जैसे बाकी चीजें आपको कहता हूं उनका पालन करना, पर ईश्वर के साथ, अपने इष्ट के साथ इमोशनली एक हो जाना, भावना से एक हो जाना, मन की शुद्धता से एक हो जाना। जैसे मैं सदा आपको कहता हूं, मन वचन कर्म भाव से एक हो जाना। ऐसा हो जाएंगे तो आप सच में बहुत प्रोग्रेस करेंगे, आध्यात्मिकता में भी, भौतिकता में भी। भगवान करें, माँ करें ऐसा ही हो। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ, आपके भीतर बैठी हुई माता रानी को प्रणाम करता हूँ।